स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल आरके में। तो आज आप लोगों को बताएंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है और दृष्ट धारा क्या होता है। तो वीडियो को बनाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसका सूत्र होता है I बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। कुछ सूत्र इस तरह से होता है I बराबर डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा क्या है, अब उसके बाद से विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार से मिलता है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। अब बात आता है कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है। प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, वह धारा जिसका परिणाम व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होता है उसे बोलते हैं दृष्ट धारा। किस तरह से परिवर्तित होता है ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं, ए, इसको ए नाम डाल देते हैं। यहाँ से इसको हम टी नाम डाल देते हैं। अब यहाँ से कुछ इस तरह से आ गया। अब क्या होता है कि इसमें बताएं आपको कि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा व समय के साथ परिणाम जो भी आवर्त रूप से परिवर्तित होता रहता है यानी कि बदलता रहता है। यहाँ पे मान लीजिए जीरो से जा रहा है, यहाँ पे एक हो गया, अगर नीचे आ रहा है तो घट रहा है, यहाँ पे आके फिर जीरो हो गया, यहाँ इधर से बढ़ रहा है फिर ऊपर जा रहा है बढ़ रहा है और नीचे आ रहा है तो घट रहा है। अब इसके नीचे आएगा तो माइनस एक में हो जाएगा यानी माइनस में आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, परिवर्तित होता रहता है यानी बदलता रहता है। अब बात करेंगे कि दृष्ट धारा क्या होता है, वह धारा जिसका परिणाम व दिशा समय के साथ नियत रहता है उसे हम बोलेंगे दृष्ट धारा। यानी कि समय के साथ कुछ हम इस तरह से खींच लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं नाम। क्या होता है इसमें दृष्ट धारा में, वह धारा जिसका परिणाम व दिशा समय के साथ नियत रहता है यानी स्थित रहता, बदलता नहीं, इसमें बदलता है और इसमें नहीं बदलता है। तो बात यही है, अगर इसमें जितना धारा चल रहा है यानी कि एक वोल्ट धारा आ रहा है, एम्पियर का धारा, अगर जो एक एम्पियर का धारा आ रहा है तो यहाँ पे एक एम्पियर का धारा आएगा सीधा नार सीधा आ रहा। अब यहाँ पे मुड़ रहा है यानी कि घट बढ़ रहा है और यहाँ से घट रहा है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा हो गया, यह दृष्ट धारा हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बताएं कि वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद।